हेलो बच्चों, जो अभी JVNL का एक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और इस नोटिफिकेशन में 2433 वैकेंसियों को 5,000 वैकेंसियाँ बताया गया है इसमें, और जो RRB का जो 60,000 वैकेंसियों के लिए लोको पायलट का निकला था नोटिस, उस नोटिस में चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो लिखा हुआ है, उसमें से अगर आप रेलवे को हटा दें, रेलवे को छुपा दें, तो उससे चेयरपर्सन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे JVNL के नए नोटिस में है। इन दोनों की तुलना करने से ये पता चलता है कि जो चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है, वैसा का वैसा ही उस RRB के ALP के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और इस नोटिफिकेशन की और उसकी अगर तुलना करें तो उसमें RRB का लोगो को हटा करके JVNL का लोगो लगा हुआ है। वैसे और भी इसमें जैसे नोटिस नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी नोटिस भी नंबर भी नहीं है। और मैंने इसकी जानकारी के लिए इसकी साइट पर भी देखा, JVNL की साइट पर भी, तब भी ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कहीं पर भी, ना कोई नोटिस निकला हुआ है, किसी भी साइट पर ऐसा नहीं दिखाया गया है। जबकि JVNL जो भी नोटिस निकालता है, देखो कुछ इस तरह का होता है, जैसे उसने डेट बढ़ाने के लिए किया था, 31 तारीख तक किया था डेट, तो उसके लिए ये नोटिस निकला था। इसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा होता है, तो इस तरह का इसका ओरिजिनल नोटिस होता है, और इस तरह का अगर कोई नोटिस होता है तो ही इसका मान्य होगा। तो ये जो नोटिस जो अभी चल रहा है, वायरल हो रहा है, ये बिल्कुल झूठा नोटिस है, और कोई भी वैकेंसियाँ बढ़ाई नहीं है, वही 2433 वैकेंसियाँ ही हैं। आप उन्हीं के आधार पर तैयारी करें। सभी बच्चों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक।